उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उद्यमी योजना के तहत 10 लाख की सहायता राशि दे रही है ताकि युवा स्वरोजगार कर सके। कशिश न्यूज से खास बातचीत में मंत्री ने कहा कि इससे आने वाले समय में बिहार से पलायन रुकेगा। बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुक्रवार को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 16,000 युवाओं को 10-10 लाख रुपया दिया है। शुक्रवार को इससे भी बातचीत करेंगे, खुद शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं। सर, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, आपने उद्यमी बनने के लिए 10-10 लाख रुपया तो दे दिया, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इससे? देखिए, बड़ा दिन है। आज के जो बिहार के नौजवान हैं उनके लिए बड़ा दिन है, खुशखबरी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उस वक्त उद्योग और रोजगार ही एजेंडा था। इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा था। आरजेडी कह रही थी 10 लाख देंगे, हम लोगों ने कहा कि हम रोजगार 19 लाख सरकारी नौकरी सहित डेवलप करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले युवा उद्यम योजना चलाई, जो उसके अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के लिए योजना शुरू हुई थी। बाद में जब एनडीए की अब सरकार बनी तो 2 योजना और जुड़ी, जिसमें महिला उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना, इन चारों को मिलाकर हर साल हमें 8,000 लोगों को देना था। हमने इस बार 16,000 लोगों का सिलेक्शन किया है। एप्लीकेशन 62,000 आए थे, करीब 42,000 सिलेक्शन हुआ। उसमें हमने लॉटरी किया, पारदर्शिता से किया, लाइव स्ट्रीमिंग की पूरा। BIA, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग भारती, फिक्की, CIA सबके प्रतिनिधि बैठाया, सारे अधिकारी बैठे और उसके अंदर हम लोगों ने 16,000 सेलेक्ट किया। जब 16,000 नौजवानों को ये 10 लाख रुपए मिलेंगे तो 5 लाख लोन, 5 लाख अनुदान, इससे पूरा काम शुरू हो जाएगा जगह जगह पे, ब्लॉक ब्लॉक में। तो साफ तौर से बिहार से पलायन रुकेगा। कैमरामैन विनय सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।